गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू ISDFantasy.com। आज हम कवर करेंगे 32वां मैच राजस्थान रॉयल्स के और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में होने वाला है रात के 8 बजे। एक मैच ऑलरेडी हो चुका है और वहाँ पे जो कांड हुआ था अश्विन वाला आप सबको याद होगा। बटलर कितने फायर हो गए थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो राजस्थान को जीत नहीं दिला पाए क्योंकि वो जो अश्विन वाला सीन हुआ था। तो आज देखेंगे कि बटलर क्या रिवेंज लेते हैं और यहाँ पे अश्विन क्या करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेदर की तो क्लाउडी है और बारिश होने का यहाँ पे आसार है, तो आप अपडेटेड रहिएगा, चेक करते रहिएगा कि बारिश वहाँ पे होने वाला है या नहीं। ऑलरेडी वहाँ पे क्लाउडी चल रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो आखिरी मैच हुआ था, तो जॉस बटलर चले थे, क्रिस गेल, और बहुत अच्छा मैच हुआ था, बहुत रिवेंज वाला मैच आज के डेट में होने वाला है। तो ग्राउंड यहाँ पे स्कोरिंग है, मींस कि यहाँ पे रन बनने चाहिए, और शाम का मैच है तो ड्यू फैक्टर थोड़ा बहुत हो सकता है। पेस बॉलर्स को शुरुआत में यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, और जो फ्री स्ट्रोक प्लेयर होते हैं जैसे कि जॉस बटलर हो गए, क्रिस गेल हो गए, KL राहुल हो गए, ये इन सबको ये ग्राउंड जो है बहुत बेनिफिट करने वाला है। अगर मैं बात करूँ लास्ट हेड टू हेड में तो 184 रन बने थे 184 अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स के, पंजाब ने बनाया था और राजस्थान सिर्फ 170 ही बना पाई थी। क्रिस गेल और यहाँ पे जॉस बटलर का अच्छा कंट्रीब्यूशन था, मुजीबुर रहमान, क्यूरन एंड बैन स्टोक ने दो दो विकेट लिए थे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हेड टू हेड टोटल, तो यहाँ पे 18 मैच में से किंग्स इलेवन पंजाब ने जीते हैं 8 और राजस्थान ने जीते हैं यहाँ पे 10। इस होम ग्राउंड पे अगर 6 मैचेस हुए हैं तो 3-3 के हिसाब से चल रहे हैं, मीन्स की इक्वल 50-50 चल रहे हैं, और हो सकता है कि आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा पंजाब के चांसेस यहाँ पे हाई है क्योंकि होम ग्राउंड है। बात कर लेते हैं यहाँ वेन्यू स्टैट्स की, कि यहाँ पे क्या होता है और लास्ट में हिस्ट्री क्या रहा हुआ है। तो जो पहले बैटिंग करती है उनके यहाँ पे चांसेस 23 मतलब 23 बार जीते हैं, और जो चेस करके जीती है वो 30 मैच है। डैट मीन्स कि चेस करना यहाँ पे पसंद करेगी अगर यहाँ पे टॉस यहाँ पे अगर कोई टीम जीतती है। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है यहाँ पे 164 और सेकेंड इनिंग स्कोर रहा है 154। डैट मीन्स कि 160 के आसपास ही रहता है। हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे चेन्नई वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में बना था, 240 रन बने थे। डैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्कोर हुआ था, और लोएस्ट यहाँ पे बनाया गया 67, ये हुआ था मैच दिल्ली कैपिटल वर्सेज किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में। तो प्लेइंग 11 जानने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या रहेगी टीम न्यूज़, बैन स्टोक आज खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, और बहुत सारा आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि बैन स्टोक को इंजरी कंसर्न है और हो सकता है कि वो आज नहीं खेलेंगे और आज के मैच में उनको रेस्ट दिया जाएगा, जबकि IPL में आने वाले मैचेस में भी आपको दिखेंगे नहीं। यहाँ पे अस्तन टर्नर का मुझे चांस लग रहा है कि लिविंगस्टोन के जगह पे खिलाया जा सकता है, और पंजाब यहाँ पे रिमेन अनचेंज रहेगी, मींस कि शायद से उनको कोई मुर्गन अश्विन को थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि उनको हटा कर किसी और को लाया जा सकता है, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब वही सेम स्क्वाड के साथ में जा सकती है। इंजरी कंसर्न यहाँ पे नहीं है इसलिए, और आशुतोष टर्नर इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी सेम ग्राउंड पे किया था, तो आज उनको खिलाया जा सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से सेम प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से राहुल और क्रिस गेल ओपनिंग करते दिखाई देंगे, और KL राहुल का वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो गया है तो वो फॉर्म जो है और ज़्यादा उनमें एक एग्रेशन दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। मयंक अग्रवाल अच्छा कर रहे हैं, सरफराज अच्छे टच में लग रहे हैं, निकोलस पुरन को मौका नहीं मिला लास्ट मैच में, देखने वाली बात रहेगी कैसा करते हैं। मनदीप सिंह है, फिर क्यूरन और रविचंद्रन अश्विन है, मोहम्मद शमी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मुर्गन अश्विन के जगह पर किसी को लाया जा सकता है, फिर आएंगे मुजीबुर रहमान। राजस्थान रॉयल्स में अजिंक्य रहाणे एंड जॉस बटलर बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, फिर संजू सैमसन, थर्ड पे स्टीवन स्मिथ को आप ध्यान रख के चलना कि जल्दी विकेट नहीं देते, स्लो खेल रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले। फिर राहुल त्रिपाठी, टर्नर को लाया जा सकता है वैन स्टोक पे, तो वैन स्टोक को आपको नहीं लेना है। पराग की जगह पे कृष्णप्पा गौतम को खिलाया जा सकता है, फिर सुरेश गोपाल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जोफर आच, धवल कुलकर्णी का यहाँ पर रिकॉर्ड अच्छा है, और इसके बाद आएंगे जयदेव उनादकट। अगर मैं बात कर लूँ की प्लेयर्स क्या रहेंगे, तो लास्ट मैच में आपने देखा होगा क्रिस गेल अच्छा कर रहे हैं, क्रिस गेल पूरे IPL में अच्छा कर रहे हैं, इनके 5 अगर आप स्टैट्स देखोगे तो 63, 104, 40, 60, 99 ये अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। और जॉस बटलर ने भी 288 रन 7 इनिंग में बनाया है, तो इनके लिए IPL अच्छा रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस आपके लिए क्या रहेगा, तो क्रिस गेल, KL राहुल, जॉस बटलर और संजू सैमसन, ये 4 ही 5 आपके स्मॉल लीग में यही आपके कुछ ओपोनेंट दिखने वाले हैं। तो बल्लेबाजी और ड्रीम इलेवन टीम बताने से पहले यहाँ पे आप हमारे फैंटेसी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, 1800 से ज़्यादा यहाँ पे यूज़र है, आपको सर्च करना है ISDFantasy Broadcast, बिकॉज टॉस के बाद टीम, डेमो टीम और कैप्टन वाइस कैप्टन GL के लिए क्या चॉइसेस रहेगा, और थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन टॉस के बाद जो आती है, प्लेइंग 11 भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो वन प्लेस पे आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है,
जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप भी आएगा और जब डोमेस्टिक मैचेस आएंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाएगा जो यहाँ पे मिलता है। तो ज़रूर से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या हमारे रहेगी बल्लेबाजी की टीम। तो अभी तक अगर आपने बल्लेबाजी नहीं खेला है और साइन अप नहीं किया तो ISD123 के साथ ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और इस आर्टिकल पे जब आप आओगे तो ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे तीन टाइप के फैंटेसी हैं, जब आप चेक करोगे क्लासिकल बैटिंग एंड बॉलिंग फैंटेसी। बैटिंग बॉलिंग फैंटेसी में सिर्फ आपको 5 बैट्समैन और 5 बॉलर लेने पड़ते हैं। बॉलिंग फैंटेसी में क्या रहेगी मेरी क्लासिकल टीम, तो 5 टीम के साथ मैं अब 6-7 टीम के साथ मैं ज़रूर जाना। यहाँ पे क्रिस गेल, जॉस बटलर, स्टीवन स्मिथ, मनदीप सिंह, सरफराज, लोकेश राहुल, अश्विन, सैम क्यूरन, मोहम्मद शमी, सुरेश गोपाल और जोफर आचर। यहाँ पे कुछ चेंजेस आप कर सकते हो लेकिन क्रेडिट का आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि आप बटलर, क्रिस गेल एंड KL राहुल तीनों को आप छोड़ नहीं सकते हो, तो इनको अगर आप ड्रॉप करते हो तो ऑलराउंडर सेक्शन में बैन स्टॉक तो आज खेलेंगे नहीं। तो कुछ ये रहेगी मेरी बल्लेबाजी की टीम, 6 टीम के साथ में ज़रूर जाना और अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना। बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेयर टू प्लेयर ड्रीम 11 में क्या आपके पास में चॉइसेस रहेंगे। तो लोकेश राहुल और संजू सैमसन यहाँ पे, तो मैं लोकेश राहुल के साथ में जा रहा हूँ। संजू सैमसन अच्छा चॉइस है। क्रिस गेल, जॉस बटलर, ये दोनों आप उसको छोड़ नहीं सकते, दोनों लास्ट मैचेस में भी अच्छा करा था। इसके बाद स्टीवन स्मिथ को मैं ले रहा हूँ, आप चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो बिकॉज स्टीवन स्मिथ रुक के खेलते हैं और रन बना सकते हैं। इसके जगह पे आप अजिंक्य रहाणे को भी ले सकते हो। निकोलस पूरन को मैं नहीं ले रहा हूँ, सरफराज ने अच्छा करा था। इसके बाद मनदीप सिंह को ले रहा हूँ क्रेडिट इशू करने, क्रेडिट हमारे पास में ज़्यादा नहीं है। बैन स्टोक आज नहीं खेलेंगे तो इनको आपको आज नहीं लेना है। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और सैम क्यूरन दोनों बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं और अश्विन आज बटलर के खिलाफ कैसी बॉलिंग करते हैं देखने वाली बात रहेगी। कृष्णप्पा गौतम, पराग और यहाँ पे एक चॉइस आपके पास में और लैमरोड का है, तो ये खेलेंगे तो आप इनको ट्राई कर लेना। प्लेइंग 11 जब आप आती है तो एडिट कर लेना। बॉलिंग सेक्शन में जोफर आर्चर एंड मोहम्मद शमी, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और अगर मैं बात करूँ और ऑप्शंस की तो मुजीबुर रहमान है, धवल कुलकर्णी है, सुरेश गोपाल के साथ में जा रहा हूँ बिकॉज ये ट्रंप कार्ड है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो ये कुछ रहेगी मेरी टीम, आप इसको एडिट करके अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना। अभी मैं कैप्टनशिप दे रहा हूँ क्रिस गेल को और जॉस बटलर को दे रहा हूँ वाइस कैप्टनशिप बिकॉज ऑफ रिसेंट परफॉर्मेंस। टीम को कर देते हैं अपन सेव। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक फॉर द मैच।